हेयर स्टाइल तो बेटा ये क्यों आगे रखा है बाल ये ऐ ओ स्ट्रिक्ट पति होते थे तो कुछ भी जल गया या दाल खराब बनी तो उसे मुंह तक दे। बताने वाली हूँ मैं अपने घर का जो होता है किचन का राशन, ग्रोसरी क्या क्या लेती हूँ और क्या मेरी फेवरेट चीजें हैं और कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह के हो रहे हैं 7:30 अराउंड और बच्चे हो गए हैं रेडी। रिदे इज वेरी एक्साइटेड। रिदे आज क्या है? चिल्ड्रंस डे। बाबू तू मेरे घुस मत कैमरे में, बता क्या है? चिल्ड्रंस डे। तो रिदे का लुक दिखाती हूँ आपको मैं, टर्न कर। आज का व्लॉग शुरू कर रहे हैं रिदे के लुक से। रिदे के शूज तो देखो भाई, जैकेट तो देखो। सो गाइज हैप्पी चिल्ड्रंस डे सब बच्चों को, और जो बड़े हैं जिनके दिल बच्चे अब भी बसे हुए हैं उनको भी हैप्पी चिल्ड्रंस डे राइट। और हम बच्चा बोल दो सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब लाइक नोटिफिकेशन बेल बटन। गो स्टैंड अप, विल टेक अ फोटो। चीज ले दीदी कब इनिशा की बॉटल बॉटल, और आज टिफिन में दे रही हूँ मैं पॉपकॉर्न। इनिशा का केक खा गया दीदी ने? वेर इज दीदीज केक? और मेथी के पराठे बनाए मैंने, एक था भरे। और ये केक तो आज चिल्ड्रन डे के हिसाब से मैंने दिया है स्नैक्स इन लोगों को। आज इनका नो बुक्स डे है। निष्ठा तैयार हो रही है, आपको दिखाऊंगी निष्ठा का। यहाँ पर रख देती हूँ कपड़े में सामान। नारियल पानी इज देयर? हाँ, तो मंडे टू फ्राइडे नारियल पानी आता है, अब तक आया नहीं है। वाय आ जाएगा, आ जाएगा सिग्नल। हाँ बेटा, हाँ हाँ निष्ठा तैयार तो हो जाए। ओहो ओहो ओहो, हेयर स्टाइल तो बेटा ये क्यों आगे रखा है बाल ये ऐ ओ देखो देखो दीदी क्या कर रही है। इधर गेट आईडी कार्ड फ्रॉम बैक, सी इफ इट्स देयर। छा के बाल मैंने कर दी, दिशा दिखा बेटा क्यों हेयर। ओहो गॉड ब्लेस यू, शो मी वेरी नाइस। चलो निश्चा हो गई तैयार, चल रहे चल रहे, चलो 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 जल्दी जल्दी चलो चलो, मैं भी आ रही हूँ। दीदी पहले ही पहुँचा हुआ है, चलो बंद करो। क्या बनता बेल्ट करो नीचे, बच्चों को छोड़ के मैं आ गई। सो थोड़ा वॉक कर लूँ, और मतलब मैंने डाला नहीं है लेगिंग्स वेगिंग्स नॉर्मली वॉक के लिए, कि मैं ऐसे ही आ गई गॉन में डाल के। जो वॉक करती हूँ आधा पौना घंटा, आधा घंटा। ओ गॉड उल्टा पता नहीं कौन सा आज एनिमल बैठा। दिखाती हूँ इसको, देख के डर गई मैं, ये जो है ना ये इसको। तो बस थोड़ा वॉक करूँगी फिर घर जाऊँगी, फ्रेश होंगी, चाय बनाऊँगी, ब्रेकफास्ट करूँगी, थोड़ा बहुत काम करूँगी, और फिर थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, और फिर अजीत उठेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। तो आज का व्लॉग शुरू करती हूँ मैं। वेलकम है आपका हमारे चैनल में। यहाँ बन रहे हैं पराठे मेथी और प्याज के, और थोड़ा सा यहाँ पर जल गया है, ठीक है खा लेंगे अजीत, कोई बात नहीं। क्रंची क्रंची पसंद है उनको। अगर ऐसे दिखा था पहले के ज़माने के लोग होते थे जो बहुत स्ट्रिक्ट पत्ती होते थे, तो कुछ भी जल गया या दाल खराब बनी तो उसे मुंह तक दे। आए भगवान। बच्चे स्कूल से आ गए हैं, रूम में है अपने। ओ मक्खन है यहाँ पर, ठीक है मैं नेक्स्ट टाइम मक्खन कम लेके आऊंगी, ठीक है। नहीं नहीं लेके लेके आओ। ओहो यहाँ पर पैकेज आए हुए हैं अमेजोन से, और पीछे पड़े हुए हैं। इसका होने वाला है अमेजोन हॉल, दिखाऊंगी आपको। तो आप लोग जरूर चेकआउट करना मेरा अमेजोन हॉल वीडियो, उसमें नया जो मैंने किया है शॉपिंग में दिखाऊंगी आपको, शेयर करूंगी विद डिटेल रिव्यू के साथ में। तो आप भी एक दो दिन में वीडियो शूट करूंगी मैं, फिलहाल तो दो तीन चीजें आने बची हुई है, तो सब कुछ सारे सामान एक साथ ही खुलूंगी दिखाऊंगी आपको। कपड़े मंगाए हैं, मेकअप का सामान मंगाया है, काफी कुछ है। ये पराठा बराबर सीख रहा है, उसको मैं और सीख रही हूँ। हाँ ये बराबर है, अब माननी पड़ेगी मुझे। यहाँ पर हो रहा है दाल तैयार, और ये आया है सामान, ये पूरा सामान मुझे सेट करना है, अब मैं सेट कर रही हूँ। मैंने कल कहा था ना आपको सामान आने वाला है ग्रोसरी का, तो मंगा लिया है, जमाना है इसको यहाँ पर ठीक से। बच्चे गए हैं फुटबॉल के लिए, और मैं सो के उठी हूँ, बहुत अच्छी नींद हुई है। अब फुटबॉल से आने के टाइम बाद तो फ्रेश होके खाना खाएंगे, डिनर करेंगे। तो खाना बन रहा है किचन में, और मैं जा रही हूँ साथ में जो सामान आया है वो सेट करने के लिए। और अजीत आने के बाद मैं बनाऊंगी चाय, और हम चाय पियेंगे। थोड़ा चाय लेट होता है बिकॉज अजीत जाते हैं, तो हम
तुम्हें साथ में चाय पीती हूँ मैं, और अजीत इज फीलिंग मच बेटर एंड वो दवाई लेके आए डॉक्टर से, उन्होंने डोज जो दवाई मुझे डॉक्टर ने दी थी एग्जैक्टली सेम दवाई उनको दी है। तो बोले अरे बोले कि सेम ही है ना, हाँ हाँ सेम ही है, आपको भी आराम आ जाएगा। सो दैट्स इट, मतलब उनको काफ़ी आराम है, ज़रा बुखार तो हुआ नहीं था, थोड़ा सा ऐसे शोर थ्रोट और थोड़ी सी सर्दी हुई थी, तो वो उसके दवाई पहले खा ले कि उनका आज मंडे है, ऑफिस का काम भी करना है, तो इसलिए पहले प्रिकॉशनरी दवाई लेके आ गए हैं वो, इससे ज़रा बीमार ना पड़े। और मैंने कहा कि जाके दवाई ले लो प्लीज़। और यहाँ पर यह दिखाती हूँ आपको, पैकेज पड़ा हुआ है, इसको अनबॉक्स करना है मुझे, इसे सेट करना है, यहाँ भी पड़ा हुआ है, ये बॉक्स भी है, इसको भी करना है। तो मैं आज रात को जब सब काम हो जाएगा तो पूरा ये खोल के सेट करूँगी, और बाद में बनाऊँगी इसका अमेजोन हॉल वीडियो। तो सबसे पहले मैं किचन में बनाने आई हूँ खाना, तो ये मैंने दाल में लगाया तड़का, तड़का लगाने वाली हूँ। दाल बॉईल कर ली है, टमाटर धनिया डाल दिया है मैंने ऊपर से, टमाटर डालते थे मैंने बॉईल करते वक्त, धनिया मैंने डाला है बॉईल होने के बाद, और ढक दूंगी इससे अच्छी खुशबू धनिया की आ जाए। इसमें घी में तड़का लगा रही हूँ, घी गर्म किया है मैंने, लहसुन जीरा का तड़का लगा, थोड़ा सा जो घी से है वो बर्तन जल गया है पर ठीक है। और सबसे पहले डाला है लहसुन जीरा, फिर डालूंगी हरी मिर्ची कड़ी पत्ता, एंड झटपट से दाल तड़का मेरी तैयार हो जाएगी और मैं बनाऊंगी इसके बाद राइस। तो इसको बहुत ही सिंपल है, तो मैं कभी कभी दाल में इन तड़के में डालती हूँ टमाटर, पर मैंने आज जो है टमाटर डालती थी बॉयल करते वक्त ही, तो जो दाल बनती है अलग से आता है टेस्ट, तो आप भी ट्राई करना ज़रूर इसको। और दाल में तड़का डालने के बाद थोड़ा सा डालूंगी मैं लाल मिर्ची, गरम मसाला, धनिया पाउडर। तो बस सिंपल तरीके से दाल बना रही है मैंने, आई थिंक हर कोई बनाता होगा ऐसी दाल, पर हम दाल को जो है मैश नहीं करते हैं। और दाल मैंने पतली रखी है आज क्योंकि खाने वाले हैं चावल, अगर खाने वाले होते हैं रोटी तो दाल को रखती हूँ गाढ़ी। तो दाल इतनी पतली तो चाहिए होती है, इतना तो चाहिए इसका, ये प्रॉपर है दाल चावल खाने के लिए। और दाल रेडी हो गई है, अब मैं चावल चढ़ा दूँगी बनने के लिए, क्योंकि मुझे जो है थोड़ा काम है किचन में करना है, पर खाना बनाने के बाद ही करूँगी। चावल चढ़ा दिए है मैंने, यहाँ पर सामान आया हुआ है घर का राशन का जो मुझे अरेंज करना है रखना है, तो सोचा चलो आपको मैं दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या ले रही हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ चिंग का हक्का नूडल्स, ये नूडल्स हम लोग बनाते हैं हमेशा, ये चिंग का है। और दाल आई है, ये गुड़ है, सब मैं निकाल रही हूँ एक एक करके, और फिर सब सामान जो है मैं डब्बों में स्टोर करूँगी। ये पीताम्बरी का रुचियाना पीताम्बरी का गुड़ पाउडर है, जैगरी पाउडर, सिंगदाना है यहाँ पर, ये अरेंज कर रही हूँ मैं क्योंकि जगह नहीं हो रही तो मुझे ऐसा करना है। और ये है दावत का बासमती राइस, इनके साथ अगर जानना है कि कौन सा हम राइस करते हैं यूज़, तो साबुदाना जो था उसको मैंने साइड में रख दिया था, इसको मैं स्टोर करती हूँ उसके कंटेनर में, तो ये कंटेनर है साबुदाना के लिए, इसमें डाल दूँगी मैं साबुदाना। और मैं गई हूँ ढूंढने के लिए सीज़र कैंची, क्योंकि कैंची नहीं मिल रही है मुझे, अब मैं कैंची लेके आई हूँ। और हमारा सबसे फेवरेट है पोहा साबुदाना और उपमा के लिए रवा, ये हमेशा हमारे घर में रहता ही है, और ख़त्म होने के पहले ही मंगा लेती हूँ मैं, तो मैं इसको स्टोर करती हूँ इन दिस काइंड ऑफ कंटेनर। ये एक किलो और डेढ़ किलो का कंटेनर है, और ये तो प्रोटीन पाउडर का कंटेनर है, इसमें डाल रही हूँ मटकी, ये मटकी बनाने का प्लान है मेरा। मटकी मतलब वो होता है ना ब्राउन कलर की दाल होती है, स्पॉट्स के बनाते हैं मटकी बोलते हैं उसको हम लोग, मॉट भी बोलते हैं शायद आप लोग। और ये है मूंग दाल, तो इसको भी मैं स्टोर कर रही हूँ इस तरह से कंटेनर में। और मैं दाल हमेशा ना आधा आधा किलो ही मंगाती हूँ, खाली मैं तुवर दाल जो है मंगाती हूँ एक किलो, बाकी दाल जो है आधा किलो मंगाती हूँ, वो दाल जो है ना अगर ज़्यादा मंगा ली तो ख़राब होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए मैं दाल हाफ़ के जी मंगाती हूँ, सिर्फ तुवर दाल मंगाती हूँ एक किलो। और ये जो है राइस है बासमती, इसको मैं स्टोर कर रही हूँ, दो किलो हमको लगते हैं बासमती राइस, तो दो पैकेट मंगा लेती हूँ एक साथ में, और एक खुला है मैंने एक बाप में खोलूँगी, और यहाँ पर एक एक पड़ा हुआ है पैकेट, इसमें सामान मैं कर रही हूँ अरेंज। नीचे से मैंने एक पैकेट और निकाल लिया है, इसमें आप देख सकते हैं और सामान है, तो क्या क्या है दिखा रही हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर है ये अखरोट है, बादाम है, जो मैं रखने वाली हूँ फ्रिज के अंदर, तो मैं फ्रिज में रखती हूँ अखरोट बादाम। यहाँ पर राजमा है, छोले है, और क्या है देखिए ज़रा, हाँ ये है सोयाबीन न्यूट्राइट का सोया वड़ी है, जिसकी मैं बनाती हूँ सब्ज़ी, देखिए आपको दिखा रही हूँ मैं, न्यूट्रलाइट ब्रांड का है। एक खुला वाला भी आता है, दो साइज़ के आते हैं सोयाबीन वड़ी, बड़ा छोटे, मैं लेती हूँ स्मॉल साइज़। ये जो है वर्मिसली उपमा है, और टाटा ग्रीन सॉल्ट लाइट है, ये देखिए, तो सबको मैं जगह पर रख रही हूँ। इसको मैं ओपन नहीं करूँगी, जब मेरे डब्बे में जो है ऑलरेडी पड़ा हुआ थोड़ा थोड़ा ख़त्म होने के बाद ओपन करूँगी। यहाँ मैं रख रही हूँ सारे मसाले, तो ये डब्बा जो है ये डब्बा सिर्फ मसालों के लिए है, इसमें सारे सारे मसाले हैं, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, गर्म मसाला, सब इसमें रखूँगी। और ये पाव भाजी मसाला जाएगा इन द फ्रिज आइस बॉक्स में,
क्योंकि ये हम लोग कम करते हैं यूज़, पाव भाजी कम बनती है तो ख़राब नहीं होता है। ये है मैगी का मैक एंड चीज़ पास्ता जो बच्चों को कभी स्कूल में देती हूँ शॉर्ट ब्रेक में, और ये सूप का है, पॉपकॉर्न्स हैं जो बच्चे लेके आते हैं स्कूल में शॉर्ट ब्रेक में, और मैं पॉपकॉर्न को जो है इसका एक्टू का पॉपकॉर्न है, मैगी का मैक एंड चीज़ पास्ता ही बच्चे खाते हैं खुश होकर, और जो दूसरा मिलता है वो बिल्कुल नहीं खाते। और ये रहा सिंगदाना, खारा सिंगदाना जो मैं और अजीत खाते हैं जब हम को भूख लगती है, तो इसलिए मंच करने के लिए भी चाय भी खा सकते हैं। और मैगी का पैकेट पहले का पड़ा था ओपन, तो उसको ऐसे रखा हुआ है हमने। मैगी हम बहुत कम लेके आते हैं, ये पैकेट जो है एक महीने से पड़ा हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ पर मैंने जो अखरोट और बादाम है रख रही हूँ फ्रिज के अंदर, हम इसको भिगो के खाएंगे। और ये पूरा प्लास्टिक का कचरा निकला है जो जा रहा है डस्टबिन के अंदर, तो ये ड्राई डस्टबिन है, इसमें जा रहा है। तो ये है हमारी ग्रोसरी शॉपिंग। अजीत आ गए अभी अजीत है, नीचे कॉल अटेंड कर रहे थे। चलो निष्ठा, एक्सक्यूज मी, अरे बेटा बच्चे नालिए फ्रेश लग रहा है बाबू, ये लो कहाँ पानी बह रहा है, बैठो खाना आ रहा है, चलो।